तो दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि मोनेटाइज करने समय क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ सकता है आपको, क्या क्या चीज़ में ध्यान रखते हुए दोस्तों आपको मोनेटाइज करना चैनल को, तब भी जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा, वरना दोस्तों रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों क्या क्या चीज़ का ज़रूरत का ध्यान रखना है आपको, तो दोस्तों सबसे पहले जो है दोस्तों हम बता देते हैं, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों लाइक भी कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे। तो दोस्तों क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना मोनेटाइज करते समय, तब भी जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों अभी हम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहला जो दोस्तों है, सबसे पहले आपको करना होगा क्या कि सबसे पहले आपको चले जाना आपके अपने वीडियो एनालिटिक्स के अंदर, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर या दोस्तों क्रोम ब्राउजर पे स्टूडियो के अंदर। तो दोस्तों यूट्यूब स्टूडियो या क्रोम ब्राउजर के अंदर आप जाके सबसे पहले दोस्तों अभी हम चलते हैं क्रोम ब्राउजर के अंदर, यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों आपको चले जाना है अपने वीडियो के लिस्ट में, और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है ये देख सकते हो दोस्तों। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है दोस्तों सभी वीडियो पे आपको चेक करना है, ये जो पब्लिक का ऑप्शन है सभी दोस्तों पब्लिक रहना चाहिए, और दोस्तों ये नहीं कि कोई अन पब्लिक रहे दोस्तों, कोई प्राइवेट रहे, ऐसे नहीं करना आपको, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब जो है मोनेटाइज के बाद दोस्तों आपका वीडियो को चेक करेगा, तभी दोस्तों मोनेटाइज के लिए अप्लाई देगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ये पब्लिश देख लेना, उसके बाद दोस्तों दो नंबर पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों नन का ऑप्शन है, इस पर दोस्तों देख लेना कि कॉपीराइट तो कोई वीडियो पे नहीं लगा, ऑल टू ऑल वीडियो देख लेना आपका जितना भी वीडियो है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप देखो तभी वीडियो को आप समझ पाओगे और अपना चैनल मोनेटाइज कर पाओगे। तो दोस्तों इसको देखना है, नन है तो ठीक है दोस्तों, किसी में कॉपीराइट तो नहीं, आप देख सकते हो यहाँ कॉपीराइट किसी वीडियो में नहीं है, तो दोस्तों ऐसे भी आपको देख लो। और दोस्तों तीसरा दोस्तों क्या चीज़ है दोस्तों, तीसरा जो है दोस्तों और एक चीज़ देखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वीडियो जो है दोस्तों सभी वीडियो में आप देख सकते हो कि ये जो है एक थंबनेल नहीं रहना चाहिए, सब थंबनेल दोस्तों अलग अलग रहना चाहिए, एक थंबनेल का यूज करने के लिए नहीं कह रहा है दोस्तों, आप जो अलग अलग थंबनेल यूज करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है यूट्यूब, तो आप अलग अलग थंबनेल आपको लगाना है। और दोस्तों चौथा जो है दोस्तों आपको क्या दोस्तों ध्यान में रखना है, देख सकते हो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप, चौथा जो दोस्तों ये देख सकते हो, ये जो आप टाइटल लिखते हो यहाँ पे टाइटल, वो दोस्तों टाइटल को भी देखता है, देखना पड़ता है कि ये जो टाइटल है दोस्तों दूसरे टाइटल के कॉपी तो नहीं है, तीसरे टाइटल से कॉपी तो नहीं दोस्तों, किसी टाइटल एक दोस्तों नहीं रखना, सब टाइटल दोस्तों अलग अलग देना है। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन भी ऐसे में दोस्तों अलग अलग आपको दे देना, जैसे देख सकते हो सभी टाइटल अलग अलग है दोस्तों, थोड़ा सा भी दोस्तों टाइटल में दोस्तों अलग अलग करना है, तो दोस्तों ऐसे में आपका वीडियो दोस्तों मोनेटाइज कर दिया जाएगा, वरना दोस्तों मोनेटाइज नहीं होगा अगर एक रंग रहेगा। और दोस्तों यहाँ देख सकते हो दोस्तों कमेंट भी दोस्तों सही, और दोस्तों सब 100% दोस्तों यहाँ पे वर्क कर रहा है, यहाँ देख सकते हो। और दोस्तों यही का दोस्तों ध्यान रखना, और दोस्तों आपका जो चैनल है वो दोस्तों कम से कम दोस्तों 1200-1300 सब्सक्राइब पूर जाए, तब भी जाकर आप दोस्तों चैनल के लिए अप्लाई करो, वरना दोस्तों अप्लाई मत करो। ऐसे में दोस्तों क्या होता है, आपका जो पहला दोस्तों जो सब्सक्राइब किए हुए एक साल से पहले दोस्तों जो सब्सक्राइब किए हुए आपको, वो दोस्तों हट जा सकता है। तो अभी हम दिखा देते हैं, तो दिखाने के लिए हमको सबसे पहले चलना होगा अपने YouTube स्टूडियो में। तो दोस्तों हम स्टूडियो में दोस्तों चलते आपको लेकर, तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे में जो है दोस्तों ये मेरा थंबनेल, ये YouTube स्टूडियो है, तो स्टूडियो पे भी हम क्लिक कर देते हैं YouTube स्टूडियो में। और दोस्तों स्टूडियो में दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको हम दिखा देते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो ये मेरा वीडियो है, और दोस्तों वीडियो के अंदर दोस्तों आप देख सकते हो ये जो दोस्तों है, और दोस्तों सब अलग अलग दोस्तों टाइटल है। और दोस्तों क्या है कि दोस्तों ये जो सब्सक्राइबर दोस्तों आपका दिखता है, वो सब्सक्राइबर दोस्तों कुछ दिन पहले का भी हो सकता है सब्सक्राइबर, वो दोस्तों आपको देखना कि पहले का। और दोस्तों वॉच टाइम जो कम से कम दोस्तों 4000 घंटा कम्प्लीट करने के लिए बोलता है, आप 5500 घंटा दोस्तों कम्प्लीट कर लो, उसके बाद दोस्तों अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद दोस्तों तभी आपको जो है, और अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपको वेट करना और बढ़िया से दोस्तों अप्लाई कर देना है दोस्तों, गलत नहीं भरना उस समय आपको। और दोस्तों मोनेटाइज के समय दोस्तों सब चीज़ का ध्यान जितना दोस्तों बताया गया उसका दोस्तों ध्यान रखना आपको, दोस्तों वॉच टाइम भी दोस्तों थोड़ा बढ़ा के रखना, और दोस्तों सब्सक्राइब भी थोड़ा बढ़ा के रखना दोस्तों, जल्दी में नहीं कि दोस्तों 1000 पक्का 1000 सब्सक्राइब पूरा और दोस्तों मोनेटाइज कर देते हो, ऐसा नहीं करना दोस्तों। 1000 बोला था दोस्तों 1200-1300 आप कर दो, उसके बाद दोस्तों अप्लाई करो, ऐसे में दोस्तों आपका चैनल को जल्दी मोनेटाइज कर दिया जाएगा, वरना दोस्तों रिव्यू में पड़ा रहेगा आपका चैनल। तो दोस्तों आप जो है मोनेटाइज करते हो तो दोस्तों 1 दिन या 2 दिन 3 दिन रुक जाना है, उसके बाद दोस्तों जो है आपको मेल आएगा, तभी जाके आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो दोस्तों मोनेटाइज अगर आपका चैनल हो गया है तो दोस्तों कमेंट में कर दो कि मोनेटाइज हुआ है, अगर तो नहीं हुआ तो भी दोस्तों,
अभी दोस्तों कमेंट में बता दो कि मोनेटाइज नहीं हुआ। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा मेरा तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो। दोस्तों सब्सक्राइब के लिए ये तो वीडियो हम बनाते हैं, दोस्तों आप भी सब्सक्राइब के लिए वीडियो बनाते हैं और दोस्तों मैं भी सब्सक्राइब के लिए वीडियो बनाता हूँ। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों एक लाइक भी मार देना। तो अगला वीडियो दोस्तों हम बता देंगे कि दोस्तों कौन सा माइक आपको यूज करना। माइक दोस्तों हम ले लिए हैं, तो दोस्तों अभी माइक यूज नहीं कर रहे हैं हम, तो दोस्तों माइक यूज करके हम बता देंगे कौन सा माइक लेना है, कॉलर माइक। तो दोस्तों अगले वीडियो में।